हैं छत्री रूप, और यदि भगवान राम को छत्री रूप में पहचान रहे हैं और हनुमान जी ब्राह्मण हैं, तो ईमानदारी से बताओ छत्री को ब्राह्मण, छत्री ब्राह्मण को प्रणाम करता है कि ब्राह्मण छत्री को प्रणाम करता है? जल्दी बोलो। छत्री ही ब्राह्मण को प्रणाम करता है, ब्राह्मण तो छत्री को आशीर्वाद देता है। लेकिन लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, कहा भैया पंडित जी आ रहे हैं, मस्तक पर चंदन है, शास्त्र हाथ में लिए हैं, ब्राह्मण का शुभ दर्शन, निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि खोई हुई माता जानकी हमें अवश्य मिलेंगी, क्योंकि विप्र देवता का दर्शन हो गया। भगवान राम बोले तुम चुप रहा करो, बीच में बोला मत करो, हम जानते हैं कि किस देवता का दर्शन हो रहा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले सामने हम देख रहे हैं पंडित जी आएंगे, हम तो साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। भगवान बोले आने तो दो पंडित जी को, पंडित जी प्रणाम का मौका देंगे तब ना तुम प्रणाम करोगे, जब मौका मिलेगा तब प्रणाम करोगे कि ऐसे ही? कहे सरकार देखो अभी पंडित जी आए और हम तुरंत प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, काम बढ़िया बनेगा। अब हनुमान जी मौका देवे तब ना, जैसे ही हनुमान जी महाराज समीप में आए ब्राह्मण का भेष बना के, बोले विप्र रूप धर कपित गए माथ नाए पूछत सुबह माथ नाए, और जैसे ही सिर झुकाया भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, पंडित जी ने प्रणाम किया कि तुमने प्रणाम किया? लक्ष्मण जी बोले ओरिजिनल पंडित नहीं है, कंफर्म समझ में आ गया, क्योंकि ओरिजिनल पंडित होता तो हम प्रणाम करते आशीर्वाद देता, ये कैसा पंडित पहले ही प्रणाम कर बैठा। भगवान बोले अभी तुम शांत रहो, शांत रहो। हनुमान जी ने पूछना शुरू किया, देखो पूछने की विधा क्या है, किष्किंधा कांड, को तुम श्यामल गौर सरीरा छत्री रूप फिरो बनबीरा कठिन भूम कोमल पदगामी ओ कवन है तू बन बिचरहु स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता ओ सहित दुसे बन यात पिबाता के तुम तीन देव मह को नर नारायण के तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। लक्ष्मण जी ने कहा भैया पंडित साधारण नहीं है, बड़ा विद्वान है, एक सांस में इतने प्रश्न, इतने प्रश्न एक सांस में हुए हैं, निश्चित रूप से पंडित विद्वान है। भैया हम भ्रमित हो रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं, बहुत विद्वान पंडित है, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि उत्तर भी देना तो सटीक देना, ऐसा सटीक उत्तर देना कि विद्वान पंडित भी समझ जाए कि उत्तर देने वाला भी हमसे बड़ा विद्वान है, ऐसा उत्तर देना। भगवान राम बोले प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अब भगवान बोले कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए राम नाम लक्ष्मण दो भाई शंगनार सुकुमार सुहाई यहाँ हरी निश्चर भय देही विप्र फिरे हम खोजत ते ही आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई। जैसे ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया तो प्रभु पहचान परे गहि चरना चरना साष्टांग प्रणिपा चरण पकड़ लिए हनुमान जी ने।
लक्ष्मण जी बोले उत्तर का प्रभाव हुआ, उत्तर देने का कि सटीक उत्तर आपने दिया और तुरंत सरेंडर हुआ पंडित। देखो साष्टांग प्रणाम। कहने लगे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया। भगवान बोले नहीं पहचाना नहीं पहचाना नहीं पहचाना। हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार पहचान लिया पहचान लिया, आप कुछ भी कहो मैंने पहचान लिया। अच्छा क्या पहचाना क्या पहचाना? जग कारण तारण भव, ये पहचान आपकी। आप जगत के जन्म के कारण हैं। भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं। कह तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। कह तुम अखिल भुवन पति, आप अखिल भुवन पति हैं, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले हैं, आप जगत के जन्म के कारण हैं। भगवान बोले भूल है, ये भ्रम है, भूल है। मैं जगत के जन्म का कारण नहीं हूं पंडित जी। अगर मैं जगत के जन्म का कारण होता तो जगत मुझे पैदा क्यों करता और कैसे करता? जगत ने ही मुझे जन्म दिया है, मैंने जगत को जन्म नहीं दिया। जगत ने ही कौशलेश दशरथ के जाए, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का पुत्र हूं। एक जगत के राजा ने मुझे जन्म दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं जगत के जन्म का कारण हूं। अरे जगत ही मेरे जन्म का कारण है। हनुमान जी ने कहा तो भंजन धरणी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले होंगे। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला भी नहीं हूं। अगर मैं पृथ्वी का भार हटाने वाला होता तो पृथ्वी की पुत्री सीता जो मेरी भार्या है, जिनका हरण हो चुका है, तो अभी तक मैं अपनी पत्नी का भार तो हटा नहीं पाया हूं, सारी पृथ्वी का भार कैसे हटाऊंगा? बोलो। इसलिए मैं भंजन धरणी भार भी नहीं हूं। हनुमान जी ने कहा तो तीसरी बात तो मेरी सही हो सकती है। ये बोलो ये किष्किंधा कांड है कि नहीं? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। मैंने कहा ना कि एक घंटे किष्किंधा कांड और एक घंटा सुंदर कांड, और कल लंका कांड और उत्तर कांड, और कल कथा का विश्राम। ठीक है ना? दो कांड कल होंगे और कल के बाद फिर मेरा चैलेंज है कि भारत में कोई कांड नहीं होगा। क्यों भाई? कोई कांड नहीं होगा, और होंगे भी कांड तो केवल रामचरितमानस के साथ कांड होंगे, आठवां कोई कांड नहीं होगा। केवल सात कांड रामायण के होंगे, आठवां कोई कांड नहीं होगा भारत देश में। आप कहोगे महाराज जी आपने चैलेंज कैसे कर दिया? अरे मैंने अपने बल से चैलेंज नहीं किया, मैंने रुद्र महायज्ञ भगवान की सफलता के कारण चैलेंज किया है कि रुद्र भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारे भारत देश में कोई भी ऐसे अनर्गल कांड नहीं होंगे रुद्र भगवान की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा के बल पर तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप सबने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रुद्र भगवान जो अति विशाल ये यज्ञ जो आज हम सब सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, कल या परसों, कब है यज्ञ की पूर्णाहुति? परसों है ना? परसों 10 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति है। कल तो राम कथा की पूर्णाहुति है, कल राम कथा पूर्ण होगी, परसों यज्ञ पूर्ण होगा। और विशाल यज्ञ में ये विशाल भंडारा तो रोज ही चल रहा है। अब मैं क्या कहूं कि 10 तारीख का भंडारा विशाल, अरे रोज ही विशाल भंडारा हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 10 तारीख का एक ऐसा विशाल भंडारा होगा
जो महाभंडारा के रूप में सिद्ध होगा, इतना विराट और विशाल ये भंडारे का स्वरूप होगा। वैसे बृहद स्वरूप तो प्रतिदिन ही भंडारे का चल रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि लाखों लोग प्रसाद पा रहे हैं और हमारे यज्ञ के जितने भी सेवक हैं वो दिन रात यज्ञ भूमि पर डटे हुए हैं और उनका संकल्प है कि हम यज्ञ की भूमि से किसी को बिना प्रसाद के नहीं जाने देंगे। इसलिए कार्यकर्ता हाथ जोड़ जोड़ करके प्रसाद पाने के लिए विवश कर रहे हैं भक्त श्रद्धालुओं को। ये मैं देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं, देख भी रहा हूं। बहुत सुंदर श्रद्धा, बहुत सुंदर समर्पण। मैं बार बार आशीर्वाद देता हूं। आज हनुमान जी ने कहा तो तीसरी बात तो मेरी सही हो ही सकती है, कह तुम अखिल भुवनपति। अखिल भुवनपति, भगवान राम ने कहा कि अखिल भुवनपति, एक बार कह दिया सो कह दिया, अब दोबारा मत दोहराना। हनुमान जी ने कहा क्यों? भगवान राम ने कहा इसलिए विप्र देवता कि अखिल भुवनपति वाला संबोधन बड़ा खतरनाक है मेरे जीवन में। एक बार मेरे पूज पिता महाराज श्री दशरथ ने मुझे अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया था। वो अयोध्यापति बनाने का निश्चय किया, संपूर्ण तैयारियां हो गईं, तीर्थों संपूर्ण तीर्थों का जल आ गया, संपूर्ण तीर्थों के संत भी आ गए, संपूर्ण तैयारियां सब कुछ, लेकिन मैं अयोध्यापति ना बनना बन सका। उल्टा 14 साल का वनवास मिल गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोबारा अयोध्या, दोबारा अखिल भुवनपति मत कहना, क्योंकि अयोध्यापति के चुनाव में 14 साल का वनवास मिला। अयोध्यापति का चुनाव करा के 14 साल का वनवास भोग रहा हूं, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अखिल भुवनपति का चुनाव करा के क्या आप हमें जीवन भर जंगल में ही भटकाना चाहते हैं? इसलिए अखिल भुवनपति की बात दोबारा मत दोहराना। भगवान ने कहा अब क्या उत्तर है आपके पास? हनुमान जी बोले मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, मैंने आपको पहचान लिया है और चरण पकड़ लिए, चरण छोड़ना नहीं चाहते हनुमान जी। लक्ष्मण जी ने कहा ब्राह्मण चरणों में ज्यादा देर तक पड़ा रहे इसमें अपकीर्ति होगी, इसलिए आप उठा लो। भगवान बोले हम उठा ही नहीं सकते हैं और जिंदगी भर नहीं उठाएंगे, पड़े रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कारण क्या है? रघुकुल में ब्राह्मणों की पूजा होती है, लेकिन एक ब्राह्मण चरणों में पड़ा है तो आप उठा क्यों नहीं सकते, कारण क्या है? भगवान बोले हमारे रघुकुल में, रघुवंश में असली ब्राह्मण की पूजा होती, नकली की नहीं। और इनसे पूछो जे नकली है कि असली। हनुमान जी समझ गए, ओहो ये जो रूप मैंने बदला है इसी के कारण प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब मुझे असली रूप में आ जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते निज तन प्रगट प्रीति उर्छाजी। तब रघुपति उठाई उर्लावा निज ने नन जल सी जुड़ा। निजतन प्रगट प्रीति उर छाई, जैसे अपने असली रूप में हनुमान जी आए तो भगवान ने तुरंत हाथ बढ़ाए उठाने के लिए। हनुमान जी बोले रुको रुको, आपने हाथ बढ़ाए किसके लिए? भगवान ने कहा उठाऊंगा हृदय से लगाऊंगा। नहीं नहीं, अगर जगह देना है तो चरणों में ही जगह दे दो, चरणों में ही जगह दे दो, मैं चरणों में ही रहना चाहता हूं। चरण में जो आनंद है प्रभु वो हृदय में आनंद नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम लेट हो गए। जब मैं अयोध्या से चला चित्रकूट 11.5 वर्ष तक रहा, जितने भी संत महात्मा थे सब तीर्थ छोड़ करके चले आए और चित्रकूट आते गए और चरणों में रहते गए। अब चरणों में जगह खाली ही नहीं बची, हम कहां जगह दें?
जगह खाली हो तो जगह मिले, अब जब जगह खाली नहीं है। पद राजीव बरन नहीं जाही, पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहिं जिन माही, मुनि मन मधुप बसहिं जिन माही, मुनि मन मधुप बसहिं जिन माही, मुनि मन मधुप बसहिं जिन माही। जितने संत थे सब चरणों में आते गए, वो कब्जा कर लिया, अब जगह खाली नहीं। खाली होती जगह तो जगह दे देता। अब किस संत से कह दूं कि तुम चरणों से अलग हो जाओ, बोलो ये ठीक रहेगा? कि हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं बैठने दो बैठने। अब जब जगह खाली नहीं है तो प्रभु जगह कहाँ खाली है? का हृदय में। इसलिए आओ, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हृदय में जगह खाली है तो हृदय में जगह दे दीजिए। जैसे ही हृदय में जगह खाली है, आओ मैं तुम्हें अपने हृदय में रख लूं। तब तक हृदय से आवाज आई, हृदय के अंदर भी कोई है। राम जी बोले रुको 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 अभी रुको रुको एक मिनट रुको। हनुमान जी बोले क्या हो गया? अरे बोले हृदय से आवाज आई, कोई हृदय में है। हृदय में कौन है? लक्ष्मी यश च बक्षसी। हृदय के अंदर श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मानी भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी, तो श्री राम जी के हृदय में श्री जानकी जी, बोलो है कि नहीं? कह हृदय के अंदर भी कोई है, कौन है? धीरे से कान में कहा, क्योंकि लक्ष्मण ना सुन ले कि जानकी बैठी, तो लक्ष्मण कहेंगे नाटक क्यों कर रहे हो रोने का, जब अंदर ही बैठा ले हो तो रो क्यों रहे हो? किसको खोज रहे हो? किसकी तलाश करते फिर रहे हो? जब हृदय के अंदर ही बैठी तो धीरे से कहा, क्योंकि जीवात्मा भ्रमित हो जाता है और महात्मा कभी भ्रमित नहीं होता है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ देता है संत, है ना? तो धीरे से कहा कि हृदय में जानकी जी बैठी हैं। हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया, माता जी बैठी हैं तो यहीं से मेरा प्रणाम है, कोई बात नहीं है, माता जी को आराम से रहने दो प्रभु, मेरा प्रणाम है। भगवान बोले कोई बात नहीं हनुमान, अब हृदय में जगह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। हनुमान जी ने कहा रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हो, मेरे बिना रह नहीं सकते हो, ये दोनों बातें कैसे संभव होंगी? या तो आप रहने के लिए थोड़ी सी कहीं जगह दे दो। भगवान ने कहा चरणों में महात्मा बैठे, हृदय में जानकी बैठी, अब कहाँ रहोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं सेवक हूं, चरणों में रहना पसंद करता हूं। खैर कोई बात नहीं है, जगह नहीं है तो मेरा प्रणाम है, अब मैं जा रहा हूं। भगवान ने हाथ पकड़ा, नहीं नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं हनुमान, यदि मेरे चरणों में जगह खाली नहीं है कोई बात नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं कोई बात नहीं है, अरे मेरे चरणों में तुम्हारे लिए जगह नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं, तो क्या तुम्हारे हृदय में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में मुझे जगह दे दो। प्रण बहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। प्रभु को हृदय में धारण कर लिया।